हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एक टेस्टी सा फ्रूट केक। ये बहुत ही फ्लेवरफुल सा फ्रूट केक है जिसमें हम रियल फ्रूट के पील्स को यूज़ कर रहे हैं। इसका एक एक फ्लेवर आप मुंह में फील कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हम ऑरेंज जूस भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही मेसमराइजिंग सा फ्लेवरफुल केक है ये। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रूट केक बनाने के लिए ये हमने फ्रूट पील्स लिए हैं जो शुगर कोटेड बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। क्रिसमस टाइम पे ये इजीली मिल जाते हैं और इनको आप स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। और अगर फ्रूट पील्स नहीं मिलते तो आप टूटी फ्रूटी या चेरीज लेकर भी इस केक को बना सकते हैं। ये ऑरेंज के और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके पील्स हैं और ये जिंजर है शुगर कोटेड। तो इन सारी चीज़ों को हम बनाएंगे एक टेस्टी सा फ्रूट केक। ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं मिले तो आप सिर्फ टूटी फ्रूटी और चेरीज को काट के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया है हाफ कप ऑरेंज जूस और इस ऑरेंज जूस में हम जो फ्रूट के पील्स हैं उनको काट के डिप करेंगे। तो ये हमने लंबे लंबे बारीक बारीक से काट लिए हैं पील्स को और जिंजर को भी हमने काट लिया है। जिंजर अवेलेबल ना हो तो आप इसको, ये फ्रेश जिंजर नहीं है, ये शुगर कोटेड जिंजर है जो बाज़ार में मिलती है कॉन्फेक्शनर्स के यहाँ पे। तो ये फ्रूट पील्स हमने इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके जूस में डिप होने देंगे करीब 2 घंटे तक, जिससे ये जूस ऑरेंज जूस को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से आप मिक्स करके इसको आप ढक के रख दीजिए 2 घंटे तक। ये हमने 4 अंडे लिए हैं जिनको हम अच्छे से फेंट लेंगे। करीब आप 1.5 से 2 मिनट इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कर लीजिए। अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लीजिए। तो ये हमारे अंडे जो हैं एग्स बीट हो गए हैं। ये हमने ली है 220 ग्राम्स कैस्टर शुगर पीसी हुई चीनी और साथ ही में हमने लिया है 150 ग्राम्स मेल्टेड वाइट बटर, जो अनसॉल्टेड बटर आता है उसको आप हल्का सा मेल्ट करके यूज़ कर लीजिए। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और बीटर से बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप करीब 1.5 से 2 मिनट इसको बीट कर लीजिए अच्छे से। इसमें मेन फ्लेवर जो है केक में हमारे पील्स का होता है। और अगर आप टूटी फ्रूटी या फिर चेरीज यूज़ कर रहे हैं तो भी बिल्कुल जो बाज़ार में फ्रूट केक मिलते हैं उसी टाइप का आपको फ्लेवर मिलेगा। जैसे हम ब्रिटानिया केक या और फ्रूट केक बाज़ार से ला के खाते हैं उससे भी फ्लेवरफुल केक बनता है ये। तो ये हमारी शुगर और जो हमारा बटर है उसको हम अच्छे से बीट कर रहे हैं, ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाएगा। उसके साथ ही में हम डाल रहे हैं करीब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये जो खाने वाला सोडा होता है। और साथ ही में हम डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून पाइनएप्पल एसेंस। एसेंस आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो, ऑरेंज एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस। तो ये मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है करीब कुछ बूंद ऑरेंज फूड कलर की। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर डालिए या येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, जिस भी कलर का केक आप बनाना चाहें। इसको बना के आप फिर 1/2 मिनट तक इसको मिक्स कर लीजिए। ये हमारा कलर मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे मैदा। ये हमने लिया है 250 ग्राम्स मैदा, जिसमें से आधा मैदा मैं अभी डाल रही हूँ और साथ ही में जो हमने एग बीट करके रखे हुए हैं उसको भी 1/2 डाल रहे हैं हम। और उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और करीब 20-30 सेकेंड्स आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लीजिए। ज़्यादा बीट नहीं करना है हमें, बस इसको मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर से आप थोड़ा जो मैदा बचा हुआ है वो डाल दीजिए और साथ ही में आप डाल दीजिए बाकी बचा हुआ एग। इसको डालकर फिर हम करीब 20-30 सेकेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है हमें इसको, बस ये जब हल्का सा मिक्स हो जाएगा तब फिर हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 20-30 सेकेंड्स में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
तो ये बैटर अभी आपको गाढ़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी हमें इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालना है जो हमारा ऑरेंज जूस में डिप्ड पील्स हैं। तो ये सारे पील्स हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में जो ऑरेंज जूस है वो डालेंगे। थोड़ा मैं अभी रोक रही हूँ क्योंकि हमें बैटर देखना है कितना हमें बैटर को गाढ़ा रखना है। तो आप इसको करीब 10 सेकेंड्स के लिए बीट कर लीजिए। बैटर अभी भी हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो जो बाकी बचा हुआ ऑरेंज जूस है उसको भी हम डालेंगे। ऑरेंज जूस हाफ कप से 3/4 कप आप लेकर रखिए, तो बैटर आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं ऑरेंज जूस से। आप इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्का सा अभी मुझे ये और गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज जूस और डाल रही हूँ। तो करीब 3/4 कप ऑरेंज जूस हमने इसमें डाल दिया है और इसको करीब 5-10 सेकेंड्स हम बीट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद, ज़्यादा बीट नहीं करना है हमें। तो ये हमारा बैटर एकदम तैयार है। तो अब हमने डिश ले ली है, उसको बटर से थोड़ा ग्रीस कर लिया है। जितना हमने बैटर लिया है उसमें हमारे 2 केक बनेंगे। अगर आपको एक केक बनाना है तो बैटर को आप हाफ भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए। ये केक को निकालने में इससे आसानी होती है। और इसके बाद ही जो हमने बैटर बनाया है उसको हाफ हाफ करके दोनों डिश में, ग्रीस्ड जो हमारी डिशेस हैं उसमें हम डाल देंगे। ये हमने बैटर को दोनों डिश में डाल दिया है और साथ ही में ऊपर से हम कुछ फ्रूट पील्स, आपके पास हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं तो चेरीज और टूटी फ्रूटी से इसको थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर दीजिए। बहुत ही फ्लेवरफुल सा केक है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये केक। तो इस ये बेक होने के लिए तैयार है केक, दोनों डिशेस। तो अब हम इसको OTG में बेक करेंगे। आप माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर हम सेट करेंगे 180 डिग्री पे। पहले हम ओवन को प्री हीट कर देंगे 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे और उसके बाद हम टेम्परेचर को 180 डिग्री पे कर लेंगे। बेकिंग मोड पे हमें इसको 180 डिग्री पर और 30-35 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो ये केक हमने OTG में लगा दिया है और ये देखिए 30-35 मिनट में हमारा कितना सुंदर सा केक बनके तैयार है। दोनों केक हमारे बन गए हैं। पहला केक 30-35 मिनट्स लगेगा, दूसरा केक में थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश में से निकालेंगे। तो ये हमारे केक ठंडे हो गए हैं और हम इसको अब निकाल लेंगे। बिल्कुल पूरी निकालने के बाद भी आप उसको पूरी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही कट करें क्योंकि इसमें बहुत चेरीज और पील्स पड़े हैं। गरम काटेंगे तो ये क्रम्बल भी हो सकता है। तो ये केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको स्लाइसेस में काट लेंगे। बहुत हल्के हल्के आप इसको काटिए। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इसमें ऑरेंज जूस की, पील्स की। ऑरेंज आप फ्रूट ही खाते हैं तो उसमें कितनी अच्छी स्मेल आती है, तो आप सोचिए केक में कितनी अच्छी स्मेल आ रही होगी। तो ये हमारा टेस्टी सा फ्रूट केक एकदम तैयार है। ये देख सकते हैं आप, इसमें चेरीज, फ्रूट पील्स सब कितने सुंदर से दिख रहे हैं और फ्लेवर तो इसका बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको आप घर पे बनाएं, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये हमारा टेस्टी सा फ्रूट केक एकदम तैयार है।